अयान के घर पहुंची फालतू। अयान की माँ नहीं दे रही फालतू को एंट्री। क्या अभी नहीं हुआ है फालतू और अयान का डिवोर्स? टीवी सीरियल फालतू में आए दिन नए नए ड्रामे देखने को मिल रहे हैं। वेल, इसी सब के बीच फालतू पहुंच गई है अयान के घर, जहां पर वो अयान से मिलना चाहती है। लेकिन अयान की माँ जो है वो तो निशा से कह देती है कि फालतू को घर के अंदर ना आने दे, यानी कि अयान की माँ नहीं चाहती कि फालतू घर के अंदर आए। वेल, फिर क्या था, फालतू दे देती है करारा जवाब और कह देती है कि अयान से उसका डिवोर्स अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। जी हाँ, ये सुनकर शायद आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं ऑन लोकेशन की इन झलकियों में कि आखिर अयान के घर में और क्या क्या हुआ, फालतू ने और क्या कुछ कहा। बस करो सविता, बहुत हो गया, मेरे सब रिकॉर्ड परीक्षा मत लो। खुश हो गई तुम, हो गई ना तसल्ली तुम्हारी, हम दोनों के बीच में करवाट भर दी तूने। आज तक इन्होंने इस तरह से मुझसे बात नहीं की थी, तुम्हारी वजह से वो भी हो गया। आज से पहले तू भी ऐसे नहीं थी सविता, अपने बेटे की दुश्मन बन गई है तू। दुश्मन मैं नहीं, दुश्मन ये है माँ। पहले तू भी ऐसी नहीं थी सविता, अपने बेटे की दुश्मन बन गई है तू। दुश्मन मैं नहीं, दुश्मन ये है माँ। चाहे कुछ भी हो जाए, इस लड़की को मैं मेरे बेटे के आसपास भी नहीं आने दूंगी। निकल जा, निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। सुनीता जी बोली, हाँ वैसे भी फालतू कह रहे तुम लोग का तो डिवोर्स हो गया है, तो अब तो रिश्ता ही नहीं बचा है, तो तुम क्यों इधर क्या कर रही हो? डिवोर्स हुआ नहीं अभी तक, भले ही मैंने कागज साइन कर दिए थे, पर अभी भी मैं कानूनी उनकी पत्नी। तुम्हारे को हमारे पति से मिलने के लिए कोई ना रोक सकता। और हाँ, हमारे पति और हमारे पीछे भी जो भी हो रहा है ना, हमारा निजी मामला, उसमें थे लोग तो चुप ही हो रहा, कुछ मत। सुनीता जी कुछ बोलेंगे, हमारे के बीच में इस वक्त कोई ना आ सकता है, और उस हमारे बीच कोई किसी को बोलने का हक ना है। बहुत बात कर रही है, जोर जोर से बोल रही है, और तब तक दादी ने बोला, शाबाश बेटा शाबाश, बिल्कुल सही कह रही है तू। इसकी जबान दिन ब दिन लंबी होती जा रही है और आप इसे शाबाशी दे रहे हैं माँ। और तुम्हें तो तमीज सिखानी पड़ेगी ना। और एक बात मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये मेरा घर है। इससे पहले तो हमने ये भूल की तुझे इस घर की बहू बनाने की, अब वो भूल सुधारने का वक्त आ गया। चाहे कुछ भी हो जाए, तू इस घर में नहीं आ सकती। मारे को भी कोई शौक नहीं था इस घर में रहने, मैं सिर्फ मार्ट साहब के लिए आई। और तुम्हारे को लगता है ना कि मार्ट साहब की हालत तुम्हारी वजह से हुई, तो उन्हें ठीक करे बिना मैं यहाँ से हिलने ना वाली। तब सोच लो जिसको जो सोचना है। तुम्हें वापस अयान के पास तुम्हें नहीं जाना। बाहर एक आदमी आया हुआ है और फालतू मैडम का नाम ले रहे, जानते हो उसे, लेकिन कह रहा हूँ अंदर आने, तो अंदर आ ही नहीं रहे। और सोचा कौन आया होगा, तो निशा ने बोला मैं देख कर आता हूँ। तुम रुको, मैं देखती हूँ। गया वो, निशा गया, आया देखा, और टेंशन में इधर पर निशा आई। देखिए कौन आया है, देखा, ये नील है, ये तो नील है, आप जानती हैं उसको, मेरी चिट्ठी है, ये तो वही लड़का है जिसके यहाँ फालतू रह गई, थोड़ा गुस्सा, इसके पीछे पीछे यहाँ तक भी आ गए, इसकी इतनी हिम्मत। देखा और गुस्सा आ रहा है आपको, जनार्दन जी आ भी गए चल के। नील, तुम यहाँ? हाँ मैं बस फालतू के लिए आया था, देखने की वो ठीक से पहुँचे कि नहीं। अब आ ही गया हूँ तो उसे साथ लेकर जाऊँगा, वो जब कहेगी। जनार्दन ने बोला ये कैसी बातें करूँ, फालतू हमेशा के लिए उसका घर है,
वो कैसे जाएगी यहाँ से? नहीं नहीं वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तब तक दादी की आवाज है, नहीं तो चल कर आई और बोली फालतू यहाँ बस अयान का ख्याल रखने आई है, उसके बाद वो यहाँ नहीं रुकेगी। गुस्सा आ रहा है आपको? वापस से फालतू पे लुक गया, वो भी आ रही है, चल कर आई। जनार्दन जी ने पूछा, दादी को बुला के रखना। ये माँ क्या बोल रही है फालतू? जी दादी सही कह रही है, मैं बस दिन में आकर मार्सअप का ध्यान रखूँगी, शाम को लौट जाऊँगी। जनार्दन ने बोला, अरे पर उसकी ज़रूरत क्या है, ये तुम्हारा घर है। नहीं नहीं हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और नील ने बोला, देखो मैं तुम्हें लेने आया था, बाहर वेट कर रहा हूँ, बता देना जब वापस जाना है। और तनिषा यहाँ से बोली, वाह वाह फालतू वाह, तुम तो एकदम छुपी दस्तम निकली। हाँ बेचारा आया तुम्हारा वेट कर रहा है, बेचारा तुम्हारा आयान वेट कर रहा है, और तुम यहाँ ऑलरेडी। वेल ये सीन देखने के बाद क्या लगता है आपको कि क्या सच में एक बार फिर से फालतू और अयान एक होने वाले हैं या फिर नहीं होंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। टेलीविजन से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहें फर्स्ट इंडिया टेली। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।